मैं एडवोकेट बलकरण सिंह बली आगू संविधान बचाओ मंच पंजाब। अज देश दे केंद्रीय गृह मंत्री नरेंद्र तोमर का एक किसानों के खिलाफ बहुत ही जिहड़ा उन्होंने बेइज्जत करने वाला जिहड़ा बयान है वह आया, जिस विच उन्होंने कहा है कि पंजाब का किसान जो बेचता वह आप खुद नहीं खाता। ये बहुत ही जिहड़ा अपना एक तरह का किसानों नूं बेइज्जत करने वाला बयान हैगा, क्योंकि पंजाब का किसान जो उगाउंदा है उही बेचता है, जो उगाउंदा है उही खाता है। पर देश दे अपना जिहड़ा केंद्रीय गृह मंत्री जानबुझ के पंजाब दे किसानां नूं बदनाम करना चाहुंदा है ते उन्हां नूं बेइज्जत करना चाहुंदा है। जिहड़ा हरे इनकलाब की अपना गल करदा है देश दा केंद्रीय मंत्री, वह हरा इनकलाब ने पंजाब दे किसानां नूं कोई बहुता लाभ नहीं दिता। पंजाब दे किसानां दे पल्ले खुदकशियां पईआं ने, पंजाब दे किसानां दे पल्ले बीमारियां पईआं ने, पंजाब दे किसानां दे पल्ले कर्जा पिया। पंजाब दे किसानां ने जिहड़ी आपदी जमीन की उपजाऊ शक्ति सी वह हरे इनकलाब ने वह खत्म कीती हैगी। पर इत्थे जिहड़ियां कंपनियां रेह बेचदियां सी, स्प्रे बेचदियां सी, होर खेती मशीनरी बेचदियां सी, जां होर तरह का जिहड़ा कारोबार खेती दे नाल ओह हरे इनकलाब दे नाल जुड़िया होया सी, ओह कंपनियां ने जिहड़ियां ओह मालामाल होईआं, पर पंजाब दा किसान है जिहड़ा ओह हरे इनकलाब ने जिहड़ा कंगाल ओह कंगाल कीता। सो इस करके जिहड़ा इह अज दा बयान है ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਖੇਧੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।